कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार की आज पहली पुण्यतिथि है। बीते साल 19 अक्टूबर 2021 को पुनीत राजकुमार का दिल का दौरा पड़ने से 46 साल की उम्र में निधन हो गया। पुनीत को कन्नड़ सिनेमा का पावर स्टार कहा जाता था। उनके फैंस उन्हें अप्पू कहकर भी बुलाते थे। उनके निधन की खबर ने पूरे कर्नाटक राज्य को हिला कर रख दिया था। पुनीत राजकुमार दक्षिण भारतीय फिल्मों के सबसे महंगे कलाकारों में से एक थे। एक्टर जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते थे। हाल ही में सुपरस्टार पुनीत राजकुमार की आखिरी फिल्म गंधाड़ा गुड़ी आखिरकार सिनेमा घरों में रिलीज हो गई है, जिसका रिस्पॉन्स काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। बता दें कि दिवंगत अभिनेता के इस आखिरी फिल्म का फैंस को बेसब्री से इंतजार था। पीआरके प्रोडक्शन में भी गंधाड़ा गुड़ी के रिलीज की जानकारी अपने ऑफिशियल अकाउंट पर ट्वीट करके दी है और कहा कि फिल्म की टिकट लेकर इसे जरूर देखने जाएं। इससे पहले इस फिल्म का प्रमोशन एक दिन पहले पुनीत के ट्विटर से भी किया गया था, जहां वो अपने फिल्म के एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं और कैप्शन में उनकी टीम ने एक फिल्म का इंतजार करने को कहा था। कर्नाटक सरकार दिवंगत अभिनेता पुनीत को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान करेगी। इस बात का ऐलान मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने किया था। उन्होंने घोषणा की थी कि इस साल राज्य स्थापना दिवस यानी 1 नवंबर को दिवंगत कन्नड़ फिल्म स्टार पुनीत राजकुमार को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पुनीत की पहली पुण्यतिथि पर उन्हें सेलेब्स ने भी भावुक श्रद्धांजलि दी है। कन्नड़ अभिनेता दर्शन, जिन्हें डी बॉस के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने पुनीत राजकुमार के साथ तस्वीर साझा करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं साउथ फिल्म में बतौर विलेन नजर आने वाले मशहूर अभिनेता प्रकाश राज ने भी पुनीत की हाल ही में रिलीज मूवी का पोस्टर ट्वीट कर उन्हें याद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया हेड।